वहीं हाइलाइट्स में अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां रायगढ़ जिले की सीमा से लगे उड़ीसा के रिंगाली थाना क्षेत्र के शारदा महानदी घाट पर एक नाव पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं नाव में करीब 70 लोग सवार थे, उसमें सवार बाकी लोग तैर कर बाहर निकल गए, जबकि 7 लोग लापता है। कोतरलिया के पूर्व सरपंच मिनकेतन प्रधान ने बताया कि रायगढ़ के ग्राम कोतरलिया निवासी गंगाराम लोहर के घर खरसिया से करीब 50 लोग आए थे, जहां से सभी लोग पार्षद और कार से श्रद्धा पथरसेनी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है।